हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लेट्स स्टार्ट उड़ीसा जर्नी फॉर एजुकेशंस। तो गाइस आज आसत देखा आमर जो रही समास सबू जो कृदंत तद्धित अन्न्य जो रूढ़ी रही लोकवाणी रही तार सब एम सी क्यू क्वेश्चन गुड़िक नहीं आसचु। तो सबुर मिक्स क्वेश्चन रही आमर पार्ट फोर रहा कि आपण मानक आपण पार्ट फोर पार्ट थ्री पार्ट टू देखी ना तो आपण मैंने देखिपर कारण एमती प्रैक्टिस सेट आनीचु आपण मान एग्जाम बहुत उपयोगी। तो चलत तो डेरी नक आरंभ कर देखु क्वेश्चन अच्छी पद गढ़ापी धातु निष्पन्न पद पूर्वर जो पद व्यवहार कराए ताको कौन कहती। तो जदि गोटे कौन सी पद गढ़ुचे आम है कौन करवा ना जो पद पूर्वर पद जो पद व्यवहार कराए आम कौन कह आम कौन कह उपपद कह उपपद बुझे ताप देखु। नेक्स्ट आम जी देखु हंस डिंब यार व्यासवाक्य कौन है हंस डिंब व्यासवाक्य कौन हम ना आम जानचे हंस डिंब हेले कौन हम ना हंसीर डिंब हंसीर डिंब कहीं पे मैंने ना हंस तो लेखाई पुलिंग किंतु हंसी कहीं ना जितेबले आम जानचे यहाँ हूँ गोटे षष्ठी तत्पुरुष बुझिपारे यहाँ हूँ षष्ठी तत्पुरुष बुझिपारे। अच्छा ये षष्ठी तत्पुरुष जिते जदि स्त्रीलिंगवाचक शब्द जदि थी जी षष्ठी तत्पुरुष समस्त पदर से कौन होती ना पुलिंग आकार धारण करती जी सब स्त्रीलिंगवाचक जो थी शब्द से गुड़िक कौन है पुलिंगवाचक शब्द में परिणत हो बुझिपारे ताल से हंसीर डिंब एमती हो हंसर डिंब हंस मान हंस डिंबटा हूँ हंसीर डिंब हो देखु। एगार नंबर कौन कही एगार नंबर कही उपपद सहित धातु निष्पन्न पदर जो समास हुए ताको कौन कहती ताले हमें ताको कौन कहवा उपपद सहित लिखिदेची मैंने कौन हम उपपद तत्पुरुष हम कौन हम उपपद तत्पुरुष। अच्छा ये नन तत्पुरुष देती नन तत्पुरुषा कौन रे ना जो निषेधार्थक न सहित जदि अन्य पदर तत्पुरुष हम बुझिपारे निषेधार्थक जो न जदि लगे ता पूर्वर है न अभिज्ञ अनभिज्ञ सेमती जदि अन्न लगुच है आउ कौन हम जना अजना सी तो अजना है किंतु न केमी लगुच आपण मैंने गोटे उदाहरण दे पारे नन तत्पुरुषा आम जी गोटे उदाहरण दबा पिला माने मते टिके कमेंट रे जणेबे जदि नन तत्पुरुष किसी जानते आपण मैंने कमेंट जनवे देखु। गौर लिखी कौन सप्तमी तत्पुरुष सप्तमी तत्पुरुष आम जब देखा कौन अच्छी ना आम जानचे सप्तमी तत्पुरुष जो गोटे उदाहरण नवा सप्तमी तत्पुरुष जमी पेड़ी रे साइता पेड़ी रे साइता है कौन हम पेड़ी रे साइता हम कौन ना पेड़ी साइता तो पेड़ी साइताटा है ये है सप्तमी बुझिपारे सप्तमी। अच्छा ये जो नन तत्पुरुष गोटे उदाहरण मुझे कौली आपण मानक मुझे गोटे उदाहरण ना देखु देखु न जदि आम देखा नन तत्पुरुष न अर्गल है ना न अर्गल कौन हम रे ना अनर्गल बुझिपारे अनर्गल तो ये हो पार आउ कौन हो पार नति पूर्व न अति पूर्व ताने कौन हम न अति पूर्व अनति पूर्व है ना एमती हो पार न तत्पुरुष। अच्छा पंचमी तत्पुरुष सप्तमी तत्पुरुष सप्तमी तो कहली पंचमी तत्पुरुष आउ कौन कही पार पा मैंने ना जमी देखु पंचम रु हम आकाशरु गोटे पतित आकाश रु पतित कौन हम ना आकाश पतित आकाश पतित केमी जानवे ना रु अच्छी देखु रु जदि रहा आम कह पंचमी व्यक्ति तो से आकाश रु पतित है तार पंचमी तत्पुरुष। तापर आम जा बार नंबर क्वेश्चन कौन अच्छी देखो बार नंबर क्वेश्चन
ना पूर्व पदरे थिबा विभक्ति रे चिन्ह लोक एटा लोक लेखचे एटा लोप हला कोन हबो लोप हबो देखंतु लोप न हुई जे समास हुए ताकु आमे कोन कहिबा ताहले आमे ताकु कोन कहिबा आमे ताकु जेमिति कोन कहिबा अलुक कौन कह अलुक समास कह अलुक समास जमी उदाहरण ना जमी खेचर आपण मैंने शुणिथे खेचर मान हूँ कौन खेचर खेचर मान कौन पक्षी ताने खे चरे जे खे चरे जे खे हूँ कौन मान हूँ खे मान हूँ ख मान हूँ आकाशे चरे जे मान विचरण जे कै सी किए ना पक्षी ताने खेचर बुझिपारे अलुक समास खर कौन दे तत्पुरुष तत्पुरुष किमी हुए ना जो समाज से जदि प्रथमा भिन्न बुझिपारे प्रथमा को छाड़देले द्वितीय विभक्ति सप्तमी पर्यंत बुझिपारे सप्तमी विभक्ति पर्यंत ताने जो समास हुए से आम तत्पुरुष समास कहला द्वितीय तत्पुरुष तृतीय तत्पुरुष एमती हे अच्छा ये देखो कर्मधारय कर्मधारय गोटे जदि उदाहरण ना आम कमी हम ना काठ तियारी हला कठाऊ बा कठौ ताने कौन हम काठ कठौ हम ना पिला माने काठ कठौ तो आपको कोई परिया ये हला कर्मधारय अच्छा बहुब्रीहर आम जदि गोटे उदाहरण ना आउ कौन कहीपर तो बहुब्रीह तो आपको जनाशुना जेटा कि नील कंठरे हला जहांकर से जहांकर से किए ना नीलकंठ नीलकंठ तो नीलकंठ किए ना नीलकंठ होचंती शिव बुझिपारे तो बहुब्रीहर एमती पद आसीब हला नेक्स्ट जीवा 13 नंबर क्वेश्चन कौन अच्छी विशेषण ओ विशेष्य पद को नहीं जो समास हुए ताको आमे कौन कह देखु विशेष्य एवं विशेषण को लेकिन जेटा गठित हम ताको आमे कौन कह द्वंद्व कह द्वंद्व समास कह अच्छा बहुब्रीहर केमी कह देखु शुक्ल है शुक्ल अंबर जहार है जहार से कौन हम शुक्लांबर शुक्लांबर अच्छा सेठी गले नीलकंठ एटी आसे शुक्लांबर शुक्लांबर किए ना हो विष्णु किए विष्णु बुझीला तापर देखु बीर दे कर्मधारय कर्मधारय कौन हम ना धला अटे धान तान धला धान बुझीला आ आम आपको द्वंद्व समासटा क्या कह जाए जदि द्वंद्व समास पे कह ना जो समास प्रत्येक समस्या मान जो पद थी तर अर्थर जदि प्राधान्य रोल ताको आम द्वंद्व समास कह जमी पुओ उ झीओ पुओ उ झीओ है से कौन कहला ना जो समास प्रत्येक समस्या मान पदर अर्थर प्राधान्य रोक आम द्वंद्व समास कह हला आउ दिगु समास जदि संख्यावाचक पद पूर्व जमी पूर्व थी पर पद सहित समास हम जदि तमें दिगु समास कह जमी दिगु समास गोटे उदाहरण नहीं पार देखु जदि थी एमती देखु दुई छकर समाहार समाहार कौन कह आम जो दो छकी कह दो छकी हला आउ कौन कहीपर ना त्रिभुवनर समाहार त्रिभुवनर समाहार ताको कौन कह सी भी हम त्रिभुवन बुझीला तो आम गला ऑप्शन नंबर सी हूँ राइट आंसर ना तापर आम जीवा ऑप्शन नहीं सी नुह कर्मधारय हम सॉरी कर्मधारय ऑप्शन नंबर बी है नेक्स्ट आम जापर आम जीवा एक नंबर क्वेश्चन कौन अच्छी यहाँ कौ विषय आसला आमर क्रुदंत क्रुत प्रत्यय जुग होगा द्वारा जो नूतन शब्द टी गठित हुए ताको आम कौन कह तो ओब्विस्ली आम क्रुदंत बोलिक कह क्रुत प्रत्यय जेटी जुग हम से कौन कह क्रुदंत कह
बुझिपारे धातु पर जदि आपण माने मन रखिथिबे जदि ओ बा अक बुझिपारे बा अन्न बा तो बा ती बा तव्य बुझिपारे ये सब जदि धातु पर थिबो बा अन्य जदि थिबो ताहले ताकु आमे कोन कहिबा कृदंत माने एगुडी कहउछन्ति कृत प्रत्यय तो ये गुड़िक क्रुत प्रत्यय से लिखी कौन क्रुत प्रत्यय जुग होगा द्वारा मानने धातुर पर देखिए एतिक जिनस यो रही अ अक अन्न त मान ती तव्य अन्य ये सब जो धातु पर लगे ये मानक कौन कहु क्रुत प्रत्यय ये प्रत्यय गुड़िक लगे से क्रुदंत शब्द सृष्टि हे जमी देखु क्रु क्रु हूँ आम कौन है धातु युक्त तव्य लगला तव्य प्रत्यय लगला जो कृत प्रत्यय ताने कौन हम कर्तव्य बुझिपारे कर्तव्य हम बुझी अच्छा आज जदि कह आम बस युक्त अतापर जी देखो दुई नंबर क्वेश्चन कौन अच्छे नुआ शब्द गढ़ापाई नुआ शब्द गढ़ापाई धातु सहित जो प्रत्यय जुग कराए कौन कहते आम बर्तमान कहलु जे ताकु कौन कहार पे मैंने जे ताकु कृत प्रत्यय कह कृत प्रत्यय गुड़िक कहली बर्तमान अ अक अन्न त ती तव्य अन्य ये सब कृत प्रत्यय बुझिपारे तो नेक्स्ट जी देखु नेक्स्ट अच्छी शांति यही शब्द रे धातुटी किए अच्छा शांति प्रथम आम देखा शांति किमी सृष्टि देखु शांति जे सम युक्त ती जदि लगी शांति है ये सम समटा हूँ कौन ये गोटे धातु ते सम धातु अच्छी कई देखु पे सम धातुटे अच्छी आम देखु ऑप्शन नंबर ख जो अच्छे से सम है शांति तापर देखु नेक्स्ट जीवा आम स्मरणीय स्मरणीय प्रत्ययटे किए स्मरणीय कौथे हो देखु स्मरणीय किमी सृष्टि आम टे देख ना स्मर जो स्मृत अन्य स्मृत अन्य कौन हम स्मरणीय ताने स्मरणीय देखु अन्य कई लगी देखु ऑप्शन नंबर ख रे अच्छी आम ख रही अन्य प्रत्यय है बुझीगला नेक्स्ट जीवा गुणी गुणी किमी सृष्टि आम टे देख ना गुणी जो प्रत्यय टिकए प्रत्यय जाणी पूर्व आम प्रत्यय किमी जाणी ना जदि आम भांगी पार गुण देखु गुण गुणी किमी देखु गुण युक्त इन गुण युक्त इन ते गुणी हम है इन प्रत्यय ते कौन अच्छी अर्थर ये लगी बुझिपारे अच्छी अर्थ में लगी देखु ते कौन है इन हम हो तार एनसर जेटा कि घ पांच नंबर घ हूँ राइट आंसर बुझीगला नेक्स्ट जी आम देखु अच्छी अर्थर आ प्रत्ययुक्त शब्द केउटी अच्छी अर्थर आ प्रत्यय लगी कौटी लगी देखु दाढ़िया दाढ़िया किमी हो देखु ना दाढ़ी युक्त आ दाढ़िया बुझिपारे सेमती पेटुआ केमी हम ना पेट युक्त आ पेटुआ बुझिपारे तो यही जो शब्द गुड़िक सब अच्छी अर्थ है बुझीगला आहाड़िया जदि हम आम जो ये गोटे ऑप्शन अच्छी खटा काहाड़िया काहाड़िया केमी सृष्टि हम ना काहाड़ी है काहाड़ी युक्त इया ये भी इया शब्द लगुच मान प्रत्यय सृष्टि होती वृत्ति अर्थर काहाड़ी जड़े बजाऊ से वृत्ति अर्थर है वृत्ति अर्थर तापर देखु सनातन मूल शब्दी किए सनातन मूल शब्दी किए हबरे देखा सनातन मूल शब्द हम कौन ना सदा है कौन हम मूल शब्दा तार सदा हम तार मूल शब्दी नेक्स्ट जीवा पृथा शब्द रु पार्थ शब्द हो तेणु पार्थ के अर्थ को प्रकाश कै पार्थ के शब्द को प्रकाश कै पार्थ के शब्द को प्रकाश कर देखिए पृथाकर पुओ हो कि पृथाकर पुओ को आम कौन कह पार्थ कहवा है नेक्स्ट जीवा देखता अच्छी चारि नंबर क्वेश्चन अच्छी विष्णु शब्द
जो विष्णु शब्द अछि विष्णु शब्द रे जदि अप्रत्यय युग रे वैष्णव शब्द हुए एहा केउ अर्थ रे हुए विष्णु जो रही छि देखंतु आमे देखिबा कौन कहू विष्णु शब्द रे अप्रत्यय युग रे वैष्णव शब्द होउछि एहा केउ अर्थ रे हुए ताले वैष्णव होउछि जो आमर सेटा हबो कोन भाव अर्थ रे हला गोटे भाव रोचु विष्णु सहित गोटे भाव रोचे तेना भाव अर्थ सेमर हूँ कौन वैष्णव बुझीगला नेक्स्ट जीवा गुरुजुक्त अ गुरुजुक्त अ हेले कौन हम गौरव तो यही प्रत्ययटी के अर्थरे कर गौरव कौ अर्थ प्रकाश कर संबंध ना भाव ना उपासक ना संजुग तो गौरव हूँ गोटे भाव अर्थ बुझीगला ताने भाव अर्थ कौन हो गौरव सृष्टि जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन देख मार्गशीर शब्द टी के मूल शब्द रू गठित मार्गशीर किमित ना मृगशिरा है मृगशिरा युक्त अ है मृगशिरा युक्त अ है मार्गशीर है तो से आमर है देखो मूल शब्द टी कौटा हम ना मृगशिरा रु सृष्टि नेक्स्ट जीवा सात नंबर क्वेश्चन पार्थिव शब्दर व्युत्पत्ति कौन हम पार्थिव शब्द आमर व्युत्पत्ति कौन हम ना पार्थिव हूँ पार्थयुक्त ब है पार्थयुक्त ब हूँ पार्थिव है देखु नेक्स्ट देखु शुणवार इच्छा एक पदर प्रकाश कले कौन हम शुणवार इच्छा आम जाने कौन शुणवार इच्छा कौन रे पे सुश्रूषा यहाँ तो समस्ते जानते पे शुणवार इच्छा है शुश्रूषा देखो शुश्रूषा कौटी ठीक अच्छी देखु ऑप्शन नंबर ग हूँ ठीक हम शुणवार इच्छा शुश्रूषा है अच्छा शुश्रूषा केमी सृष्टि तो आम जाना शुश्रूषा केमी सृष्टि ना शुश्रूषा हूँ देखु जदि देखिए श्रु धातु युक्त सन कौन उत्पत्ति मान सनंत जोटा आउ आ लगी प्रत्यय सब सन आ ये सब लगिकी कौन शुश्रूषा बुझिपारे नेक्स्ट देखो पिपठिसा पिपठिसा केमी ना शब्दटर अर्थ कौन पिपठिसा शब्दर अर्थ कौन पिपठिसार अर्थ कौन रे पिला माने देखंतु आमे जदि कहिबा पिपठिसा हला कौन ना पढ़वार इच्छा हूँ पिपठिसा है तो ऑप्शन नंबर ख हूँ पिपठिसार अर्थ है पढ़वार इच्छा बुझिपाल ना आम जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन बर्तमान देखो छ नंबर क्वेश्चन कौन अच्छी जय करार इच्छा जय करार इच्छा हूँ कौन आम जाने जय करार इच्छा कौन पिला माने ना हूँ जिज्ञासा कौन हम जिज्ञासा जिज्ञासा हूँ जय करार इच्छा अच्छा जिज्ञासा ये कौन ना जिज्ञासा हूँ गोटे जानवर इच्छा है जानवर इच्छा हूँ जिज्ञासा बुझिपारे तापर जीवा नेक्स्ट आम देखु नेक्स्ट कौन अच्छी ना भोजन करार इच्छा सात नंबर क्वेश्चन अच्छी भोजन करार इच्छा कौन ना आम जानते बुभुक्षा है बुभुक्षु लिखे नी बुभुक्षा भोजन करने को जदि इच्छुक थोड़े आम बुभुक्षु लिखा कि बुभुक्षा कहीं लिखा ना भोजन करार इच्छा तो आमर ऑप्शन नंबर ग हूँ राइट आंसर है तो शुणवार इच्छा को आम जाने शुश्रूषा कह जाए यहाँ है शुणवार इच्छा शुश्रूषा अच्छा तापर जी खाइबार इच्छा कौन हम ना पीबार इच्छा कौन हम ना पिपासा है पिपासा हूँ पीबार इच्छा पीबार इच्छा है पीबार इच्छा है पिपासा आउ बुभुक्षा है खाइबार इच्छा बुझिपारे आदि पिपासा केमी सृष्टि ना पा युक्त सन युक्त आ हूँ पिपासा बुझीगला नेक्स्ट देखु गमन करार इच्छा एक पदर प्रकाश कले कौन हम गमन करार इच्छा हूँ एक पदर प्रकाश कले हम जिगमिशा है गमन करार इच्छा है जिगमिशा नेक्स्ट जीवा आम प्रधान शब्द टी गठन रीति किपर हेब ताले प्रधान किपर सृष्टि ना प्रधान आम जदि कह प्रयुक्त दा युक्त अन् कौटी अच्छी देखु अन्न प्रयुक्त दा युक्त अन्न देखु ऑप्शन नंबर ख अच्छी प्रदान है प्रयुक्त द तो हम ना है देखु दा युक्त अन्न हम है प्रदान नेक्स्ट जीवा देखु
दस नंबर क्वेश्चन अच्छे प्र उपसर्गटी निम्नत क्यों अर्थर व्यवहृत हुए प्र उपसर्गटी आमर कौन ना उत्कर्ष अर्थर बुझिपारे प्र उपसर्गटी उत्कर्ष अर्थर आउ जो व्यतिक्रम अच्छी विपरीत अच्छी निंदा अच्छी एटा कौ उपसर्गटी लगी परा उपसर्गटी परा उपसर्गरे यही सब सब ये व्यतिक्रम विपरीत निंदा ये अर्थर व्यवहृत हुए बुझिपारे नेक्स्ट देखु जदि क्यों उपसर्गटी साधारणत भूषण अर्थर व्यवहृत हुए भूषण अर्थर कौटा व्यवहृत हुए है भूषण अर्थर कौटा व्यवहृत हुए ना अपी बुझिपारे भूषण अर्थर कौटा व्यवहार हुए ना अपी होउची आमर जो उपसर्गटी व्यवहृत हुए नेक्स्ट जीवा देखु 12 नंबर क्वेश्चन निम्नोक्त मध्यरु किए सम श्रु आउ अ प्रकृति प्रत्ययरु सृष्टि एक शब्द समयुक्त श्रु मान श्रुयुक्त अ कौन हम समयुक्त श्रुयुक्त अ ताने कौन हम संसार कौन हम संसार समयुक्त श्रुयुक्त अ हेले संसार तापर देखु निम्नोक्त उपसर्ग मानक मध्यरु किए पर्यायर माने सम पर्यायर नुहे देखु उत दूर सत सम एथिरे आमे कौन कहवा आम जाने उपसर्ग एगुड़िक उपसर्ग को आम के हरभूत करचे ना उड़िया रे आमर 20 उपसर्ग अच्छी कौन कौन अच्छी प्र अच्छी हला प्र परा अप सम नी अधि सु नीर उत परी प्रति अब अनु दूर बी अभि अति अपि उप आ बुझिपारे पे 20 उपसर्ग अच्छी मन रखे तेणु आ भितर कौटा तार अलग रही देखु ये हूँ सत जो अच्छी ये सत बोल कि आम उपसर्ग किसी अच्छी कि ना तो से सत हूँ अलग है उत थिला दूर थिला सम थिला ये सब रही किंतु सत बोल कि ना तो से अलग है तापर आम जी देखूँ कारक विभक्तिर कौन अच्छी क्वेश्चन गाँ गाँव में टंके किया चाउल मिलू रेखांकित तो पदटी कि विभक्ति जो अच्छी गाँ गाँ रे आसला आउ गोटे स्थान कथा कहला गाँव में स्थानादि काल जो स्थान काल ये सब जो थी स्थान काल आम कौन कहवा सप्तम विभक्ति कहवा है रे बुझिपारे रे लगी देखो रे रे लगी शेष रू आप देखिए जानते गाँ रे है रे भी आम लगे कौटी ना तृतीय विभक्ति पाखर रे लगे रे द्वारा मानक द्वारा आम जो कह पंचमी है रु ठारु मानक ठारु एम जदि आम पढ़ी चुना आगु द्वितीय कौन हम कू कू मान को ये जदि लगे किंतु ये गाँ गाँ रे कहीं तृतीय है ना गाँव में हूँ गोटे स्थान कथा कहुई तेणु से सप्तमी विभक्ति हम बुझिपारे तापर नेक्स्ट जीवा है ना सिंह पशु मानक राजा रेखांकित पदटी क्यों अर्थर व्यवहृत बा षष्ठी विभक्ति होई सिंह पशु मानक राजा र लगी पशु मानक ना संबंधे आम जाने षष्ठी सब मन रखिए संबंधे तो आम जाने षष्ठी किंतु ये कौन हो गए निर्धारण कराऊ सिंह हूँ पशु मानक राजा से तेणु तर निर्धारण जुगे आम कौन हो सी होती षष्ठी विभक्ति होती बुझीला नेक्स्ट जीवा देखु समय गति अनिवार्य है अनिवार्यटा को देखो अनिवार्य है जो अनिवार्य रेखांकित पदटी संबंध पदर हो कहीं ये संबंध पद कहीं समय गति अनिवार्य जो लिखाई से कहीं तेल आम कौन कहते ना कर्ता संबंध जुग बुझिपारे जो ये अच्छी कहीं ना ग देखु ऑप्शन कौन दे कर्ता संबंध जुगे है कर्ता संबंध कहीं ये समयटा गोटे कौन ये गोटे कर्ता भाव में संबंध जो कर मानने कर्ता सहित गोटे संबंध जोग कर देखु आम गाँव में रमा बोली झीटटी अच्छी रेखांकित पदटी प्रथम विभक्ति होबार कारण कौन आम गाँव में रमा बोली झीटटी अच्छी ये कहीं तार प्रथम विभक्ति ना सी हूँ जो बोली जो लगी देखना से बोली जो रही से बोलीटा गोटे अवय लगी तेना से अवय जुगुरु आम कौन होमर प्रथम विभक्ति सृष्टि बुझिपारे रमा बोली गोटे झी अच्छी ताले रमा जो बोली लगाई से बोली अवय जुगरे सृष्टि है नेक्स्ट देखा
ଦେଖନ୍ତୁ ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛି, ଶିକ୍ଷକ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ଏହି ବାକ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟ କର୍ମଟି କିଏ। ତାହେଲେ ଏଠି ମୁଖ୍ୟ କର୍ମଟି କିଏ, କାହାକୁ ପଚାରିଲେ ନା ଛାତ୍ରକୁ ପଚାରିଲେ, ହେଲା ଆଉ କ'ଣ ପଚାରିଲେ ନା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ, ନା ମୁଖ୍ୟ ଏଠି ତାହେଲେ କିଏ ହେବ, ସେ ହେଉଛୁ ପ୍ରଶ୍ନ, ବୁଝିପାରିଲେ ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ, ତାହେଲେ ହେଉଛୁ ଏଠି ମୁଖ୍ୟ କର୍ମଟି ହେଲା ପ୍ରଶ୍ନ, ବୁଝିଗଲା। ନେକ୍ସଟ ଯିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ରୂଢ଼ି ବିଭାଗ ଆସିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାକୁ ବତା ଯେଉଁ ଅଛି କେଉଁ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରେ, ବାକୁ ବତା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ରୂଢ଼ିଟିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ, ବାକୁ ବତା ନା ବା ଆସିଲେ ବତା ଦେଖାଇବା, ନା ବାକୁ ବତାରେ ବାରଣ କରିବା, ନା ବା ବତାରେ ଅଟକାଇ ନପାରେ, ନା ସାମାନ୍ୟ ପ୍ରତିକାର। ତାହେଲେ ବାକୁ ବତା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର କରିବା, ନୁହେଁ କି? ବାକୁ ବତା ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ପ୍ରତିକାର କରିବା, ତା ମାନେ କିଛି ନାହିଁ, ମାନେ ସେଇ ବତା ଦ୍ୱାରା ଅଟକାଇବା, ତା ମାନେ ହେଲା ସାମାନ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରତିକାର, ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଯିବା, ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ନାଁରେ ଅନେକ ବିରାଡ଼ି ବୈଷ୍ଣବ ସାଧୁ ରୂପରେ ସମାଜରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ରେଖାଙ୍କିତ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟଟି କେଉଁ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରେ। ବିରାଡ଼ି ବୈଷ୍ଣବର ଅର୍ଥ କ'ଣ ପିଲାମାନେ, ନା ଦେଖିବେ ପରମ ଠକ କେଉଁଠି ଅଛି ଖୋଜିବେ, ଇଏ ହେଉଛି ବିରାଡ଼ି ବୈଷ୍ଣବ ବକ ଧାର୍ମିକ, ଇଏ ଯଦି ଶବ୍ଦ ଆସୁଛୁ ତାହେଲେ ସିଏ ହେଉଛି ଠକ, ପରମ ଠକ। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ସତର ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କ'ଣ କହୁଛି, ଆଖି ରଖିବା, ଆଖି ରଖିବା ଏହା କେଉଁ ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି, ଆଖି ରଖିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଆଖିକୁ ନେଇ ରଖିବା, ନା ଆଖିରେ ଦେଖିବା, ନା ଚାହିଁବା, ନା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। ତାହେଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆଖି ରଖିବା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଯିବା, କପାଳ ଫାଟିବା ଏହି ରୂଢ଼ିଟିର ଅର୍ଥ କ'ଣ, କପାଳ ଫାଟିବା, କପାଳ ପୁରା ଫାଟିଯିବା, ନା କପାଳ ଫାଟି ରକ୍ତ ବୋହିବା, ନା ସର୍ବନାଶ ହେବା, ନା କପାଳରେ ଫଟା ଚିହ୍ନ ହେବା, ନା ଆମେ ଜାଣିଛେ କପାଳ ଯେଉଁ ଫାଟିବା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସର୍ବନାଶ ହେବା। ନେକ୍ସଟ ଯିବା, ଉଣେଇଶ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଅଛି, ଦେଇଛି ତାଙ୍କ ଘରେ ଚୋର ପଶି କଳାକନା ବୁଲାଇଦେଲେ, ଏଇ ଯେଉଁ କଳାକନା ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ, କଳାକନା ବୁଲାଇବା, ତ କଳାକନା ବୁଲାଇବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମେ ଜାଣିଛେ ସର୍ବସ୍ୱ ଲୁଟି ନେବା, ବୁଝିହେଲା, ସର୍ବସ୍ୱ ଲୁଟି ନେବା ହେଉଛି ତାର ଅର୍ଥ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା, କୋଡ଼ିଏ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଅଛି, ନା କୁହୁଡ଼ି ପହଁରିବା ଏହା କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି, କୁହୁଡ଼ି ପହଁରିବା, ତ ଦେଖନ୍ତୁ କୁହୁଡ଼ି ପହଁରିବାର ଅର୍ଥ ହେଲା ବୃଥା ପରିଶ୍ରମ କରିବା, ହେଲା, କୁହୁଡ଼ିରେ ପହଁରିବା ଭୁଲ, କୁହୁଡ଼ି ମାନେ ଛାଡ଼ିବା ପରେ ପହଁରିବା ଇଏ ହେବନି, ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ରହିବା ଏଇଟା ହେବ ନାହିଁ, ତ କୁହୁଡ଼ି ପହଁରିବା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବୃଥା ପରିଶ୍ରମ କରିବା। ନେକ୍ସଟ ଯିବା, ଏକୋଇଶ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଅଛି, କ୍ଷୀର କାଢ଼ିବା ଏହି ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଗୁହାରି କରିବା, ନା କଥାକୁ ଘାଣ୍ଟି ଦୋଷ ଖୋଜିବା, ନା ଦୋଷ୍ଟାମି କରିବା, ନା ସର୍ବନାଶ କରିବା। ତ କ୍ଷୀର କାଢ଼ିବାର ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ବା ଏଇ ରୂଢ଼ିଟିର ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ଦେଖିବା ଧାଡ଼ିଟେ କେଉଁଠି, ନା ଦେଖନ୍ତୁ କଥାକୁ ଘାଣ୍ଟି ଦୋଷ ଖୋଜିବା ହେଉଛୁ କ୍ଷୀର କାଢ଼ିବା। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଆମେ, ପେଟ ପୋଷ ନାହିଁ ଦୋଷ, ତା ମାନେ ଲୋକବାଣୀ ଆମେ ଆସିଲା, ତ ଲୋକବାଣୀଟି ଗୋଟେ ଆର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଅଛି, ନା ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କୌଣସି ବୃତ୍ତି କରାଯାଇପାରେ, ନା ପେଟ ପୋଷିବା ଦୋଷାବହ ନୁହେଁ, ନା ପେଟ ପୋଷିବା ଦୋଷ ଠାରୁ ବଡ଼, ନା ଦୋଷ ପେଟ ପୋଷିବା ଠାରୁ ବଡ଼, ତ କ'ଣ ହେବ, ନା ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କୌଣସି ବୃତ୍ତି କରାଯାଇପାରେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ପେଟ ପୋଷ ନାହିଁ ଦୋଷର ଅର୍ଥ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, କୌଣସି ଲୋକ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମ୍ମାନ ନ ପାଇବା ଏହି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ଲୋକବାଣୀଟି କ'ଣ, ଖଣ୍ଡାଧାରରେ ବାଟ ଚାଲିବା, ନା ଖାଇବା ପତ୍ର ଧୂଳି ଦେବା, ନା ଗାଁ କନିଆ ସିଙ୍ଗାଣି ନାକି, ନା କେଉଁ ଗାଈର ଗୋବର, ତାହେଲେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ସମ୍ମାନ ପାଇବନି ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା, ଗାଁ କନିଆ ସିଙ୍ଗାଣି ନାକି, ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଆମେ, ଅନଧିକାର ଚର୍ଚ୍ଚା ଏ ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଥିବା ଲୋକବାଣୀଟି କ'ଣ, ଅନଧିକାର ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ତା ମାନେ ହେଉଛି ଅଠାକାଠରେ ପଡ଼ିବା, ନା ଅଣ୍ଟି ଛୁରୀ ତଣ୍ଟି କାଟେ, ନା ଅଦା ବେପାରୀର ଜାହାଜ ମୂଲ, ନା ଅଳ୍ପ ବିଦ୍ୟା ଭୟଙ୍କରୀ, ତ କ'ଣ କହିବା, ନା ଅଦା ବେପାରୀର ହେଉଛୁ ଜାହାଜ ମୂଲ ହେଉଛୁ ଅନଧିକାର ଚର୍ଚ୍ଚା, ହେଲା। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ହିନ୍ଦ୍।